आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें बल्लभगढ़ के गांव झाड़ सेंटली की है, जहां से दो सगी बहनें गायब हुई हैं। गांव में दो बहनों के गायब होने के बाद तनाव का माहौल है। बच्चों के ताऊ की मां ने तो कोई मांगने वाला उनके यहां पर आया था और तभी से उनकी दोनों बेटियां गायब हैं। हमारे यहां से गांव से 2:30 बजे के बीच में हमारी दो लड़की गायब है जी, और हम जब से ढूंढ रहे हैं उन्हें, और हमने हमारे पुलिस वाले 58 सेक्टर से थाने से भी आए हुए हैं, वे भी अपना क्या लगता है आपको क्या हुआ है? मैं वैसे ताऊ जी लगता हूँ जी उनका। नहीं, क्या बेटियों के साथ क्या हुआ? मतलब कोई मांगने वाले आए थे जी, और जब से पता नहीं है, हमें हम चले गए थे। नहीं, क्या सके आपको कोई उठा के ले गया है क्या? हाँ जी, हमें सके कोई उठा के ले गया बेटियों को। पुलिस को शिकायत दे दी? हाँ जी, पुलिस को शिकायत दे दी है। और क्या उम्र है बेटियों की? उम्र क्या है? एक की 12 साल है जी, एक की 10 साल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि दो नाबालिग बहनें गायब हैं। वो मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ से 3:30-4 बजे दो लड़कियाँ गायब है, उन दोनों 10 साल और 13 साल की उम्र है। इन्फॉर्मेशन दी थी, मदद कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, उनको कोर्ट में कार्रवाई कर। सीसीटीवी कैमरे मेरे भी खंगाले हैं, अभी तक कोई क्लू नहीं लगा है कैसे निकली है, कैसे अभी वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्या लगता है कुत्ते को भी बेहोश किया गया है? पहले कुत्ता बेहोश मिला, मेडिकल तो आएंगे, अभी तक इतनी बेहोशी नहीं लगती, पर फिर भी मेडिकल चेक कराएंगे तो पता चलेगा। ये गर्मी की वजह से हो सकता है, ये उसका सिम्टम नहीं हो सकता। बता दें कि लड़कियों के गायब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। फिलहाल गायब लड़कियों की उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।